फलोदा एक ऐसी पिक्चर, अभी मैं ट्रेलर देखा, एक फ्रेश लुक लग रहा है और पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी होगी। और धीरज जो हमारे पुराने जो मेरा मतलब एक दोस्त भाई जैसा ही है, और भगवान करे ये पिक्चर सुपर हिट हो जाए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा एंड एक नया लुक लगा। सर ने कह दिया इतनी बड़ी बात, अब सर का ऑलरेडी इन सामने मैं क्या बोलना, सर को अच्छा लगा बस मेरी फिल्म हिट हो गई। सर मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, फन था, मोमेंट था, सब टीम सारे यंग हैं, सारी मतलब यंग टीम है, तो मुझे काफ़ी मजा आया करने साथ काम। सबसे बड़ी बात है ऐसे चेहरे लेके अच्छे, मतलब एक फ्रेश लग रहे हैं और हर चीज़ फ्रेश लग रहा है इसमें, और हमारी हमारा ब्लेसिंग है इस पिक्चर को और पिक्चर सुपर हिट हो जाए। मैसेज कुछ नहीं दे रही, आपको एंटरटेनमेंट दे रही, हम आपको फुल, आपको जब दो घंटे आप बैठने वाले हो, आप एंजॉय करने वाले हो, आपको हंसाने वाले हैं, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आ रहे, आपको हंसाने आ रहे हैं। मैसेज तो व्हाट्सएप पे आते हैं, मैसेज आप पढ़ो रोज व्हाट्सएप। हाँ, हमने नैनीताल शूट की है, नैनीताल में बहुत सी जगह है, लोकल में हमने की बासपुर है, रुद्रपुर है, उसके बाद हमने मुंबई में भी शूट किया है गाना इसका, मालसेज में। मैंने आफ्टर साजन 23 पिक्चर्स बनाई है, सब लव स्टोरी, म्यूजिकल लव स्टोरी है, सब दिल का क्या कसूर, साजन, बलमा, दिल तेरा आशिक, आरजू वगैरह। लेकिन उस ज़माने का और अभी का बहुत फ़र्क है, क्योंकि अभी किसी को म्यूजिकल पिक्चर पसंद है, किसी को कॉमेडी पिक्चर पसंद है, किसी को एक्शन पिक्चर पसंद है। बट अभी हमारे टाइम का और अभी का टाइम बहुत चेंज हो गया। हमारे टाइम में जो था पिक्चर सिल्वर जुबली होगा तो पिक्चर हिट हो जाता है, आज का डेट में आपको 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, और इतना फ़र्क है। और ठीक है, बजट जो है आज बढ़ गया, क्योंकि हमारे टाइम पे हमने 23 पिक्चर्स मैंने बनाई तो 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ के ऊपर नहीं गए, लेकिन अभी वही पिक्चर अगर आज बनाना चाहोगे तो 60-70 करोड़ से, क्योंकि आज इतना सारा जो पैसे लगा के लोग मतलब बड़े बड़े स्टार्स को लेके पिक्चर बनाते हैं, तो चलो स्टार का हिसाब से पैसा कवर होता है, लेकिन इस टाइप का पिक्चर बना के पैसा कमाना एक तो बहुत बड़ी बात है। पसंद करेंगे, क्योंकि म्यूज़िक और एक सब्जेक्ट अच्छा हो और क्लीन पिक्चर हो, डेफिनेटली पिक्चर चलेगा। और मैं भी अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, इज़ अ रोमांटिक लव स्टोरी बनाना, ट्रायंगल सब्जेक्ट है एंड म्यूजिकल सब्जेक्ट है। मैं हमेशा एक्शन वगैरह में वो नहीं करता हूँ, म्यूजिकल पिक्चर और रोमांटिक पिक्चर, ट्रायंगल, इस टाइप का पिक्चर मैं अभी ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी आप लोग से सबसे मुलाकात होगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा धीरज के साथ काम करके, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे हम लोग कि कुछ अच्छा, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में इतनी आसानी से ब्रेक मिलना आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल होती है। बट ठीक है, हमारा ये पहला ट्राई है, आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया हो और आगे भी हम लोग ऐसे ही मूवीज़ करती रहें। अच्छे अच्छे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कहीं भी नहीं लगता कि ये डायरेक्टर है, मतलब कहीं पे हमको भी अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ करना होता था तो हम बोलते थे तो बोलता हाँ ठीक है कर लो, अगर अच्छा लगता है तो वो हमेशा सपोर्ट करता है, मतलब कभी उसने हमें ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो बहुत सपोर्टिव है धीरज। ट्रेलर से तो आपको पता चल ही गया होगा मेरा किरदार क्या है, हाँ गे नहीं है। फिल्म करने में मज़ा आया, जैसे फालूदा नाम है तो शूटिंग के टाइम पे बहुत फालूदे हो रहे थे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, मेहनत करते गए और फाइनली आपने देखा ही रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने शूटिंग पे। फ्रेंडली है काफ़ी धीरज हमसे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू में लगा हमें कि यार नई टीम है तो कैसे होगा, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इन्वॉल्व होते गए तो मज़ा आता गया और फालूदा बनता गया। एक बात मैं बताना चाहूँगी, मुझे रात में 2 बॉटल चढ़ती थी, मैं बहुत बीमार थी शूट के दौरान, और सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं 7 की शिफ्ट करती थी, 7 o'clock, तो मैं मतलब मुझे कम से कम नहीं तो 6-7 बॉटल्स चढ़ी हैं शूट के दौरान, और बाकी धीरज भी बता सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, लड़की ने बहुत, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और शूट किया। क्या हुआ ना, जैसे कि बॉटल बता रही ना, तो उसका लुक पहले मैंने बोला था मोटा बोला था होने के लिए, मैंने कहा था चेहरा बड़ा सा मोटा सा लगना चाहिए देसी टाइप का, तो लेकिन बीमार हो गई तो बेचारी स्लिम टिम एकदम से मॉडल टाइप हो गई वो, तो मैंने कहा मेरा जो करेक्टर थोड़ा सा करेक्टर अलग हो रहा है, क्योंकि वो करेक्टर थोड़ा सा देसी टाइप का है, अब देसी मॉडर्न, तो मैंने कहा कुछ करके थोड़ा सा चोटी करके कुछ, लेकिन उसने किया, मतलब उसकी मेन क्या होता है ना कि जो एक्ट्रेस होता है परफॉर्मेंस वाइज पर, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको आइडिया मिले उसने क्या किया, बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे से किया। सर के लिए बड़ा एक स्टंट है कि वो एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ये ईजी नहीं होता, ये बहुत बड़ा काम है जो सर ने बखूबी से निभाया, एज ए एक्टर भी और एज ए डायरेक्टर भी और एज ए फ्रेंड भी बहुत अच्छे से निभाया, इसके लिए थैंक यू कहूँगा मैं सर को। जो मेजर जो सबसे बड़े पीपल हैं जो जो कि टैलेंटेड पीपल बोल सकते हो आप, इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो डायरेक्टर, आप सर से पूछो, सर ज़्यादा अच्छा आंसर करेंगे, उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि हाँ एक्टिंग आसान नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ ज़्यादा टफ, अगर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है तो आपका डायरेक्शन है, वो बहुत जबरी चीज़ है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। मेहनत है इसमें, हमारे मेहनत एक्टरों ने बहुत इसमें मेहनत की है, दिल तोड़ के एकदम, और हमें बहुत खुशी है कि आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं,
ट्रेलर लॉन्च हुआ है। काफी दिनों की मेहनत की है उन्होंने, धीरज सर ने, आकाश भाई ने और अपने अतुल भाई ने, ये सब ने मेहनत बहुत की है। 4-5 महीना हो गया है तो अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है। आज देखो ऊपर वाला, अभी ऊपर वाला कितने तक ले जाता है। अच्छा है, हमने जो मेहनत किया है अभी वो रिजल्ट सामने दिख रहा है। बट आप लोगों से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे फलत ले।